दिस कुड बी एक्चुअली फ्रॉम समवेयर आउट एज वेल, कहीं कोई ऐसे चीज भी हो सकती है जो हमारी जो कोताहियां हैं उसको किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि सिस्टम तो सारा ऑन ग्रिड है. टेक्नोलॉजी के जमाने में ये चीज तो हो सकती है कि साइबर अटैक हो हमारे पावर सेक्टर के ऊपर. पूरा पाकिस्तान बिजली की बंदिश का शिकार रहा है, घंटों गुजर जाने के बावजूद हुकूमत और पावर डिवीजन फॉल्ट की तशखीस नहीं कर पाया. मुल्क भर में 24 घंटे बाद भी बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी. ज़राए के मुताबिक 10,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली बदस्तूर सिस्टम से आउट है. आ जाएगी, घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो. अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना. ठीक है, सड़कें वीरान लग रही थी आज. आज जब मैं दफ्तर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम लोग किसी वॉर जोन के अंदर हैं, जहां सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं ताकि कोई दुश्मन ये ना देख सके कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है. क्योंकि भाई गल्ले में पैसा तो मुक गया है, पैसे अपन के पास हैं कोई नहीं. IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए हैं. फिर किसी ने ये कहा कि मुल्क को ऑफ एंड ऑन करके ये देखा जा रहा है कि किसी तरीके से चल जाए. और मुझे अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर मुल्क है. लाइट ना होने की वजह से शहरी मोमबत्तियों की तलाश में निकल पड़े हैं. इसने स्टोर्स पर मोमबत्तियां तो किया, बर्थडे कैंडल्स भी नहीं मिल रही. मोस्ट ऑफ द कंट्री इज स्टिल इन ब्लैक आउट. मोस्ट ऑफ द कंट्री इज स्टिल इन ब्लैकआउट. इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा ब्लैकआउट हो चुका है. जरा पाकिस्तान के अंदर पावर आउटेजेस, कंप्लीट ब्लैकआउट, पार्शियल ब्लैकआउट्स की जरा हिस्ट्री तो देखते हैं. और ये मैं छोटे मोटी लोड शेडिंग की बात नहीं कर रही, मैं बड़ी बड़ी लोड शेडिंग्स की बात कर रही हूं. 24 फरवरी 2013 को कंप्लीट मुल्क के अंदर पावर ब्रेकआउट हो गया और आउटेज हो गई. पाकिस्तान पूरा का पूरा अंधेरे के अंदर चला गया. और ये फिर एक दफा हुआ 26 जनवरी 2015 को, जिस टाइम पर 140 मिलियन लोग, पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी, अंधेरों के अंदर डूब गई. दोबारा हुआ ये मामला 9 जनवरी 2021 को. इस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इससे पहले PMLN की थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी. माशाल्लाह सारी जमातों ने ये वाला काम करके दिखाया. 200 मिलियन लोग जो हैं वो अंधेरों, गुप्त अंधेरों के अंदर, यानी 20 करोड़ की आबादी गुप्त अंधेरे के अंदर जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हुई आज. और मुझे अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर मुल्क है, और आज ये सूरत हाल है कि तकरीबन 22 करोड़ की आबादी इस टाइम पर भी उसके अंदर से बहुत बड़ी तादाद गुप्त अंधेरे के अंदर बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि बिजली आएगी या नहीं आएगी. हम लोगों को दिलासे दिए जा रहे हैं. इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की तमाम के तमाम ये ब्लैकआउट होने के बाद कितने कोई लोग हैं जो कि जनरेटर ऑन कर सकते हैं. इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है, और इस कदर नुकसान हुआ है कि एक तरफ आज स्टेट बैंक ने शराय सूद 16 से बढ़ाकर 17 कर दी है, यानी एक तरफ से बिजनेसमैन को धचका, तो दूसरी तरफ से पूरा दिन बिजली बंद रहने की वजह से तकरीबन 20 मिलियन पाकिस्तानी रुपए और 87,000 यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ एक दिन की. मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूं, इससे ज्यादा की नहीं. पिम्स हॉस्पिटल ने भी आज ये कहा कि जी हम लोगों ने सारे के सारे ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए हैं, और पाकिस्तान के बहुत सारे हस्पताल हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए. इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए मसला पड़ा रहा, इमरजेंसी सूरत हाल से निबरदाजमा होने के लिए मसला पड़ा रहा. सड़कें वीरान लग रही थी आज. आज जब मैं दफ्तर आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम लोग किसी वॉर जोन के अंदर हैं, जहां सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं ताकि कोई दुश्मन ये ना देख सके कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है. और अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े आउटेजेस हुए हैं, हम वैसे तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कम ही आया करते हैं, लेकिन इस बार तीनों के तीनों पहले नंबर पाकिस्तान के ही हैं. ये एक ट्वीट है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो कहते हैं जी कि वर्ल्ड लेटेस्ट ब्लैकआउट्स ऑफ पावर अफेक्टिंग मोर देन हाफ द पॉपुलेशन के अंदर पहले तीनों नाम पाकिस्तान के हैं, उसके बाद चौथे नंबर पर जाके श्रीलंका आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो पैटर्न हम लोगों को नजर आ रहा है कि मुल्की मईशत का बुरा हाल है, आटे की बोरी के लिए, एक थैले के लिए अवाम को लंबी कतारों में लगना पड़ता है, फिर भी आटा नहीं मिलता. दिस कुड बी एक्चुअली फ्रॉम समवेयर आउट एज वेल, कहीं कोई ऐसे चीज भी हो सकती है जो हमारी जो कोताहियां हैं उसको किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि सिस्टम तो सारा ऑन ग्रिड है. देखिए ये आजकल के
टेक्नोलॉजी के जमाने में ये चीज तो हो सकती है कि साइबर अटैक हो हमारे पावर सेक्टर के ऊपर और वो हमारी जैसे इंडस्ट्री को, हमारे तमाम हॉस्पिटल, तमाम गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को वो मफलूज कर दे। आ जाएगी, घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो, अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना, ठीक है, क्योंकि भाई गल्ले में पैसा तो मुक गया है, पैसे अपन के पास हैं कोई नहीं। अब ये ब्लेम करते हैं एक शख्स को, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, नाजरीन आपके पास अफलातून या सुकरात भी आ जाए तो आपकी मईशत का हमेशा बेड़ा गरक ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि देखो, मेरे जैसे लोग जो सच बोलते रहे हैं और काफ़ी अरसे से एक ही बात कर रहे हैं कि अशखास से इसका ताल्लुक ही नहीं है, लोगों से ताल्लुक ही नहीं है, आपके पास टके के वसाइल नहीं हैं, यू डू नॉट हैव रिसोर्सेज। द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज वेबसाइट कैन बी विजिटेड, अगर आप मेरी बात मानने को तैयार हैं। अगर आपको US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के स्टैट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर चले जाओ, वर्ल्ड की जितनी मारूफ वेबसाइट्स हैं उन पर चले जाओ, आपके पास ना तेल है भैया ना गैस है। अब पूरा दिन आप नाचते रहो भले अंजुमन की तरह, जैसे फिल्मों में नाचती थी वो, आप शोर मचाते रहो, हमारे पास वसाइल ही वसाइल, हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, फुल स्टॉप है ही नहीं। लेकिन इसमें मीम्स का तो एक अंबार निकल पड़ा ना, यानी आपको पता है कि हम तो अपने ऊपर हंसने वाले लोग हैं, हम तो खूब मज़ा लेते हैं ऐसी चीज़ों का, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आटा नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, ज़रा थोड़ी देर सोशल मीडिया पर रहकर मज़ा लगा ले। किसी ने ये कहा कि IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए, फिर किसी ने ये कहा कि मुल्क को ऑफ एंड ऑन करके ये देखा जा रहा है कि किसी तरीके से चल जाए, चालू हो जाए। ऐसे ऐसे मीम्स जो हैं वो बने, बल्कि हमने देखा कि सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग जो हैं वो इसमें